एक तो है आपका इक्वेशन इन क्लेरोट्स फॉर्म, ठीक है, क्लेरोट्स फॉर्म है आपकी, ठीक वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, इसको कहते हैं क्लेरोट्स फॉर्म, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल है आपके लिए, प्रिमिटिव सॉल्यूशन निकालना बहुत सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना है, इसमें प्रिमिटिव कह देते हैं इसको, या फिर इसको, हाँ बिल्कुल सिंपल है, इसमें सी रख दो बस, ठीक है ना, पी की जगह सी रख दोगे तो वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ ओ सी हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, सिंगुलर, ये क्या नाम बोलते हैं इसको, प्रिमिटिव सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको, ठीक है, ओके okay. ठीक है, ओके। अब दूसरा होता है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लेरोट्स फॉर्म। अब यहाँ पे, यहीं पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे हम जो सिंगुलर सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया आपका प्रिमिटिव और कंप्लीट सॉल्यूशन। अब सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सिंगुलर सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है, सिंगुलर सॉल्यूशन इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम पी एंड सी, ठीक है, उसमें खाली वाई और एक्स रहेंगे बस, ठीक है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन जो होगा वो आपका ऐसा फंक्शन होगा, ओनली उसमें एक्स वाई का फंक्शन होगा, वाई एक्स वाई, ठीक है। अभी थोड़ा सुन लो ध्यान से, तो फाइव एक्स वाई का सोल्यूशन होगा सिंगुलर सोल्यूशन। तो अब ये फाइव एक्स वाई का सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है आपको यहाँ से पी और सी, या तो देखो इसमें क्लेरोट्स में क्या है, आपके सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के लिए दो चीजें हमें निकालनी होती हैं, एक निकालना होता है पी डिस्क्रिमिनेंट और एक निकालना होता है हमें सी डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब ये पी डिस्क्रिमिनेंट सी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर माइनस सी, फोर सी ठीक है। अब ये पी डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि आपकी जो ये इक्वेशन होगी, जो आपका जो प्रिमिटिव सोल्यूशन आता है, या ये जो इक्वेशन है आपकी क्लेरोट्स फॉर्म में जो हमने लिखा है, ये इक्वेशन आपकी पी के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। ओके तो पी के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो हम क्या कर देंगे उसको, वहां से उसका डिस्क्रिमिनेंट को जीरो रखेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट को जीरो रखने के बाद में फिर अगर इसका सी डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे वो भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि यहाँ जस्ट पी को सी से रिप्लेस किया है हमने। तो अगर क्लेरोट्स फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो वहां पे पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट दोनों सेम होते हैं, क्लियर है बात, ओके ओके। अभी पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट निकलते कैसे हैं, देखो ये आपका जो क्लेरोट्स फॉर्म है, ये आपका एक कोई फंक्शन है एफ एक्स वाई और पी का एक फंक्शन, ऐसा ही है ना, ये इक्वेशन आपकी, ये वाली इक्वेशन है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे डेल एफ बाई डेल पी, डेल एफ बाई डेल पी निकालना है, ठीक है, उसको जीरो के बराबर रखना है। ओके तो अब क्या करोगे आप, अगर डेल एफ बाई डेल पी को जीरो के बराबर रखोगे तो यहां से आपका ये जो पी है, यू कैन रिमूव दिस पी, ठीक है, पी को रिमूव कर सकते हो, या पी का एक रिलेशन आ जाएगा तो आप यहां से पी डिस्क्रिमिनेंट बना सकते हो, ठीक है। ओके जी हाँ तो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको जी प्रिमिटिव सॉल्यूशन आ गया समझ में कैसे निकालते हैं, अभी हम इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने की टेक्निक सीखेंगे, ठीक है। ओके okay. एक एग्जांपल पकड़ते हैं सिंपल से, आपके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है और आप कह रहे हो कि मैं हिम्मत हार चुके हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। अब देखो जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी, ठीक है, तो हाँ ये क्लेरोट्स फॉर्म में है बिल्कुल सिंपल, है जी ना। तो अब इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको, तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सिंपली देखो ये इक्वेशन आपकी इसको पी में क्वाड्रेटिक बना दो, पी में ओके क्वाड्रेटिक है ऑलरेडी, कैसे कैसे क्वाड्रेटिक है, आप पी से मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई दोनों करेंगे तरफ, तो वाई पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स प्लस ए, है ना, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर एक्स माइनस वाई पी,
और प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, तो ये पी स्क्वायर पी में क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसका पी में जो है पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, बी स्क्वायर मतलब बी है आपका माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस फोर, और ए कितना है एक्स है, और सी है आपका, ओके सी है आपका ए, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, या इसका जो इक्वेशन आ गया वो आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। क्लियर है? तो आपका फाइनल टारगेट क्या था, आपका फाइनल टारगेट था कि सिंगुलर सॉल्यूशन, हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जब आपका जो वाई और एक्स में खाली आपको रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए। ओके ठीक है, अब इसका सी डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो ये भी यही है ना, यही आने वाला है, सी डिस्क्रिमिनेंट भी इसका यही आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। बात समझ में आई? अब सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यू हैव टू एलिमिनेट पी। देखो पहला कंडीशन ये है कि एलिमिनेट, यू हैव टू एलिमिनेट पी। अब पी को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है कि या तो आप सी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, पी डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका एलिमिनेट हो जाएगा पी। ओके ठीक है, ये वर्किंग प्रिंसिपल लिख लो आप। जब क्लेरोड्स फॉर्म दे रखी है उस कंडीशन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके ठीक है जी सर। ओके, और उस क्वेश्चन को आपको देंगे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, साइन एक्स साइन पी एक्स कोस वाई इज इक्वल टू कोस पी एक्स साइन वाई प्लस पी। सबसे पहले तो इसको सिंपलीफाई करके इसको क्लियर ऑट्स में कन्वर्ट करना है। देखो कुछ दिख रहा है ना, साइन पी एक्स कोस वाई, कोस पी एक्स साइन वाई, कुछ फॉर्मूला बन सकता है इसका। तो देखो क्या बन सकता है, हाँ एक साइड में ले आने से साइन ए माइनस बी का वन है, ठीक है बनाओ। साइन पी एक्स माइनस बी, साइन पी एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी। अब इसको देखो क्लियर आउट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे इसको, आप बना सकते हो, कोशिश करो। ये हो गया आपका साइन पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी। ठीक जी है, इसको आप इन्वर्स कर दो, तो पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी, है ना, वाई को उधर लेके चले जाओ, तो पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी इज इक्वल टू वाई। तो आपका जो फॉर्म बन गया वाई इज इक्वल टू पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी। क्लियर रोड्स फॉर्म कन्वर्ट हो गया। जी सर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका वाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स सी। ये कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल ठीक है, अभी आपको सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो सिंगुलर सॉल्यूशन मैंने क्या बताया आपको, या तो आप जो है, अब यहां पे देखो, यहां यहां पे डिस्क्रिमिनेंट नहीं बन पाएगा, है ना, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको डेल एफ बाय डेल पी की वैल्यू जीरो पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो पहली इक्वेशन है इसको पी के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो वी शुड कीप डेल एफ बाय डेल पी इक्वल टू जीरो फॉर फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो वाई का डेल पी के रेस्पेक्ट में करेंगे जीरो हो जाएगा, और एक्स एक्स बचेगा यहाँ पे अकेला, माइनस ये कितना हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट। ओके ठीक है ना, जी सर। ओके, तो अभी यहाँ पे आपका ये निकल जाएगा x, ये इसको उधर ले जाओ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस पी स्क्वायर का अंडर रूट, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे
तो इसको इधर लेके आ जाओगे, 1 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आ गई आपकी ओके पी स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ ओके, तो अभी क्या है आपको, तो पी की वैल्यू चाहिए, तो जी पी की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इसका अंडर रूट। तो ये पी की वैल्यू आपको क्या करना है, पी को इलिमिनेट करना है, बेसिकली हमारा काम है पी को इलिमिनेट करना। तो पी की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, तो आपका सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x और मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन आ गई आपकी y स्क्वायर इज इक्वल टू x। समझ में आई बात? जी सर, ओके, अब इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ, सिंगुलर नहीं है सॉल्यूशन सर। निकालने में या जनरल सॉल्यूशन निकालने में कर सकते हो बड़े आराम से? जी सर, ओके, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? जी सर, ओके, चलो अभी हम करेंगे वो क्वेश्चंस जो क्लेरोट्स फॉर्म में नहीं है, ठीक है, रिड्यूसिबल टू क्लेरोट्स फॉर्म। उसका तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बट एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि आप उस दिन दिक्कत आ रही थी आपको करने में। चलो पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू 2px माइनस p स्क्वायर y, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको ये क्लेरोट्स फॉर्म में नहीं है, और यहाँ आपको उसने सब्स्टिट्यूशन दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल y, uv मान लेते हैं, इसको कैपिटल छोड़ दो आप, ठीक है, हम इसको यूवी मान लेते हैं क्योंकि हम यूवी में ही उसको कंसिडर करते आ रहे हैं, और यह बस इसी से हो जाएगा ये। और आपका एक्स इज इक्वल टू वी सॉरी वाई इज इक्वल टू वी मान लो और एक्स इज इक्वल टू यू मान लो, ठीक है। तो अब आपका जो क्लेरोट्स फॉर्म बनना चाहिए वो बनना चाहिए वी इज इक्वल टू PU + FP, ऐसा ही बनेगा। ओके, अभी यहाँ सिंपली इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy इज इक्वल टू dv हो जाएगा, और यहाँ पे dx इज इक्वल टू du हो जाएगा, और यहाँ पे जो कैपिटल P होगा आपका, कैपिटल P यहाँ पे होगा dv/du। समझ लो समझ लो समझ लो, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा मैं आपको करने के लिए, ठीक है, इसको समझ लो बहुत आराम से, बहुत सिंपल है। तो अभी आप डिवाइड करोगे तो आपको dv/du, आपको बेसिकली देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको स्मॉल पी को कैपिटल पी में कन्वर्ट करना, ठीक है। पहला स्टेप ये लिख लो आप, स्मॉल पी को कैपिटल पी, स्मॉल पी सब्जेक्ट रहेगा और कैपिटल पी में उसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है, और स्मॉल पी को यहाँ पे आपको रिप्लेस कर देना है, बस इतना काम। तो ओके यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो dv/du ये हो जाएगा आपका कैपिटल पी, ओके, तो ये किसके बराबर आएगा, 2y/ वाई वाई हाँ dy/dx, ठीक है, ये हो जाएगा, ये कैपिटल पी हो जाएगा 2y और स्मॉल पी। अब यहाँ पे स्मॉल पी की वैल्यू जो निकालनी है हमें वो आ जाएगी p/2y, हमारा यही काम है। पहला काम हमारा है कि हमें स्मॉल पी और कैपिटल पी में रिलेशन निकालना है, और फिर स्मॉल पी को कैपिटल पी की टर्म्स में लेके आना है और उसको उसके अंदर प्लेस कर देना है, क्लियर। तो यहाँ पे जो स्मॉल पी की वैल्यू रख दो यहाँ पे 2x इंटू स्मॉल पी की वैल्यू क्या है, कैपिटल पी बाई 2y टू वाई, ठीक है, माइनस फिर स्मॉल पी की जगह पे आप रखोगे p² / 4y² और इंटू वाई, वाई की एक पावर से एक पावर कैंसिल यहाँ पे, और क्या कुछ हो सकता है, वाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा देखो आपको दोनों तरफ, है ना। तो वाई का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y² हो जाएगा, 2 से यहाँ 2 काट देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स पी एक्स, ठीक है, और पी एक्स हो गया माइनस फोर माइनस पी स्क्वायर बाई फोर p² / 4 हो गया। अब रख दो वैल्यू y² की जगह, हम रख देना v, v इज इक्वल टू pu - p² / 4, ठीक है, हो गया आपका क्लेरोट्स फॉर्म।
ओके, तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा वी इज इक्वल टू सी सी यू यू माइनस सी माइनस स्क्वायर सी बाई स्क्वायर बाई फोर। फोर अब ये वैल्यू पुट कर दो वी की जगह पे वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सी सी एक्स एक्स माइनस सी स्क्वायर बाई फोर। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप, ये जो डिस्क्रिमिनेंट निकाल आपके, के। हाँ या तो इसका, इसमें देखो डिस्क्रिमिनेंट इजीली निकल रहा है, आराम से निकल रहा जी है ना, जी तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, इसको उधर ले जाओ, तो ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस 4 CX और प्लस प्लस वाई स्क्वायर वाइस जीरो। इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक समझ आ रही बात। जी सर। इसका सी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, माइनस 4X का स्क्वायर माइनस 4AC इनटू इज इक्वल टू 0। जीरो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 16x2। 16X² माइनस 4Y² इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4X² x2 या लिख देंगे वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2X। x तो ये हो ओके जाएगा इसका सिंगुलर सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। सामने ओके, वेरी गुड। अब बताओ क्या डाउट है, इजी है क्वेश्चन। जी सर। अभी वर्किंग रूल लिख लो, वर्किंग रूल लिख लो आप। अभी जितना आपको समझ में आया उतना लिख लो, अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एक, इसके बाद। सेकंड। अरे ये 4 भी तो, ये वाई स्क्वायर भी तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर। ठीक है, तो जी ये 16 हो जाएगा, ये एक्स कट स्क्वायर इक्वल टू वाई जाएगा, स्क्वायर एक्स इक्वल टू वाई। तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ओके जी। ये आप प्रैक्टिस के लिए कर लो, ये क्वेश्चन लिख लो, ये सिंगुलर सॉल्यूशन लिख लो और जनरल सॉल्यूशन लिख लो, आप प्रैक्टिस करना है इसके। ठीक है, क्लास के बाद। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, आपके पास इक्वेशन है XYP² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1P प्लस XY इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, और आपको जो लगाना है ट्रांसफॉर्मेशन वो लगाना है X² इज इक्वल टू U और Y² इज इक्वल टू V। जनरल सॉल्यूशन और क्या नाम उसको, सिंगुलर। सिंगुलर सॉल्यूशन दोनों निकालना है। पर ओके जी उठा, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा ये क्वेश्चन। डरना नहीं है यार, मेरे बच्चे कभी नहीं डरते, जितने बच्चे मैंने पढ़ाए बहुत डेयरिंग बच्चे हैं, ओके सर। डर के नहीं भागना कभी भी, डर को इतना डरा दो कि तुम डरना ही भूल जाओ। ऑलवेज टेक चैलेंज, हारना ओके नहीं है कभी जिंदगी में। डिवाइड टू मुझे स्मॉल पी की वैल्यू बताना कितनी आई आपकी। सर। स्मॉल पी की वैल्यू आई एक्स बाय वाई इनटू कैपिटल पी। बिल्कुल सही है, बस रख दो इसमें। और ये देखो X² प्लस वाई स्क्वायर भी हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, जो इसके अंदर रखा है ना X² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, इसको भी U प्लस V माइनस 1 कर सकते हैं। तो जितना कर सकते हैं ओके उतना करो, P को रिप्लेस कर दो। ओके
और आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है? जी सर। क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ोगे उसमें, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। जी सर, जी सर, जी कॉम्प्लेक्स की कर रहे हो प्रैक्टिस? सर, ठीक है, जो जी जो जो सर, जो पढ़ ली है उसकी प्रैक्टिस भी रेगुलर करना है। हाँ, यू माइनस वी प्लस वी माइनस वन, एक्स बाय वाई पी। सर ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर पी माइनस यू प्लस बी माइनस वन एक्स बाई वाई पी प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो आ रहा है। क्या बताया आपने? एक मिनट, इसको इरेज कर दो थोड़ा। ओके सर। क्या बनी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर पी माइनस हाँ। यू प्लस वी माइनस वन एक्स बाई वाई पी प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। देखो क्या क्या कर सकते हो आप इसमें। पहला काम तो वाई का मल्टीप्लाई कर सकते हो, जी एक्स स्क्वायर की जगह रख दो आप। हाँ, यू पी माइनस ये पी नहीं, पी स्क्वायर होना चाहिए आपका कहाँ पहले में, और यहाँ एक्स स्क्वायर भी नहीं होना पे। हाँ चाहिए, हाँ हाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए। एक्स क्यूब आ रहा है सर। देखो ये है आपका एक्स वाई स्मॉल पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो ध्यान रखना है, यही तो छोटी छोटी दिक्कतें हैं जिससे वजह से क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में। अब ये रखो वैल्यू, आप एक्स वाई पी की जगह पे क्या रखना है हमें, एक्स बाई वाई एक्स पी कैपिटल पी, ठीक है, और ये स्क्वायर है, हाँ ठीक है, माइनस यू प्लस वी माइनस वन, और स्मॉल पी की जगह पे एक्स बाई वाई कैपिटल पी और प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी माइनस वन और एक्स बाई वाई पी प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। कुछ कट रहा है क्या? एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया। अभी जी वाई का मल्टीप्लाई करो और एक्स भी मैं काट देता हूँ एक एक, ठीक है। अभी ओके वाई का मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर पी स्क्वायर हाँ, माइनस यू यू प्लस प्लस वी माइनस माइनस वन वन, यहाँ पे वाई पी कैंसिल और यहाँ पे हो जाएगा प्लस वाई वाई स्क्वायर। पी। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे रखो यू, यू पी स्क्वायर माइनस यू पी माइनस वी पी माइनस और पी प्लस प्लस पी प्लस पी प्लस प्लस इसकी जगह पे वी वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या? यू पी स्क्वायर माइनस यू पी माइनस वी पी प्लस पी प्लस यू वी इज इक्वल टू जीरो। अब बाकी सब उधर ले जाना है, अभी हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, तो ओके बाकी सब उधर लेके जाओ। तो देखो वी एक इक्वल टू ये वाला टर्म तो मिल गया आपको, v इज इक्वल टू यूपी, तो v इज इक्वल टू यूपी और क्या बचेगा, माइनस यूपी स्क्वायर हाँ, माइनस वीपी प्लस प्लस वीपी वीपी माइनस माइनस पी। पी, ठीक है। अब जी देखो इसको भी इधर ही रखना है v के साथ, v माइनस वीपी इज इक्वल टू
यूपी माइनस यूपी यूपी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस पी, वन यहाँ पे आपका वी कॉमन, वन माइनस पी माइनस बचेगा, पी तो ये बनेगा आपका सर यू कॉमन ले यहाँ। सकते हैं ना यहाँ से, यूपी यूपी कॉमन हो सकता है। उससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, वन माइनस यूपी पी हो कॉमन ले जाएगा, लो, वन माइनस पी हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस पी। अब वन माइनस पी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो वी बचेगा आपका यूपी माइनस पी बाई पी बाई वन वन माइनस पी माइनस, बन गया। जी। ओके, तो ये हो गया आपका क्लियर रूट्स फॉर्म। सिंपल इसका सॉल्यूशन आ जाएगा कि वी इज इक्वल टू सी यू माइनस सी बाई वन माइनस सी। क्लियर है? जी सर, ओके, और इससे क्योंकि फिर इसमें ये रख दोगे आप पी डिस्क्रिमिनेंट, आराम से निकल जाएगा यहाँ। वाई स्क्वायर, जी वाई की सर, वैल्यू और वी और यू की वैल्यू रख दोगे, ठीक है? जी तो पी डिस्क्रिमिनेंट पी में ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलरेडी, है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ पे देखो, ये आपका पी में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक जी है ना? तो वहां से आप इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हो। ट्राई करो ओके सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने का। क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्वेश्चन हो जाएगा। ओके पिछले साल क्या क्या पढ़ा था आपने मैथमेटिक्स में? सर, पिछले साल जोकोबियन वगैरह निकाले थे, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस किए थे। ओके, बस इतना सही? हाँ टाइम कम था ना फर्स्ट सेमेस्टर में, इसलिए ज्यादा कुछ था नहीं। एक तो आपने जो वर्कशीट भेजी है ना, उस वर्कशीट में बहुत समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। ठीक है, मैं आपको आज क्वेश्चन लिखवा दूंगा, बस वही आपको ट्राई करना है। ओके सर, ओके, और नोट्स वेट बना अ लेना सेकंड, आपने। प्लस वेट माइनस 15। और यू और वी की वैल्यू रख लेना अभी। ओके एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी एक मिनट आप करो जरा, मैं कुछ कॉल ले लूँ। जी हेलो, तुम्हारा शॉर्टकट नाम नहीं है कुछ? बर नी नी, बहुत लंबा नाम है यार। जी घर का नाम तो टिया है, तो वही दिया, चलो आज से टिया। हम तुम्हें टिया, टी आई वाई है। वैसे यस सर, बर्नी नी का मीनिंग क्या होता है? सर वही माँ दुर्गा का दूसरा नाम है। ओके, मैंने पहली बार सुना है बर्नी नी। जी चलो मैं आज से आपको टिया खाएंगे। ओके एक्स स्क्वायर वही सुन। सैटरडे भी क्लास रहती है क्या आपके कॉलेज नहीं में? सर, नहीं सर, मैंने आज कॉल किया था मैं पूछने के लिए क्या पढ़ना है, तुमने फोन ही नहीं उठाया। हम सो रहे थे सर इस वक्त पूरा बंगाल सोता है दोपहर जी। को। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो इस तरह से उसका हमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। चलो फर्स्ट क्लास। अब ये क्वेश्चन और देते हैं आपको, देखो कैसे आप उसको चटाक से करते हो एकदम। अब इरेज कर दो ना सब कुछ। ओके फटाफट क्वेश्चन लिखो। एक्स पी स्क्वायर -2YP +X +2Y इक्वल टू 0। इसको जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा यू और वाई माइनस एक्स रहेगा वी। आजकल तो फिर भी जो है पढ़ाने वाले अवेलेबल हैं। आज से करीब 2001 में मैंने ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था, तब कोई मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला नहीं मिलता था ग्रेजुएशन में, ठीक है। और बहुत मुश्किल होता था, एक एक चीज में 10 दिन लग जाते थे एक टॉपिक को पढ़ते पढ़ते समझने में, अपने आप से समझने में। लेकिन मेरा क्या कंसेप्ट था कि जो चीज समझ में नहीं आ रही ना डेली डेली, उसको सबसे पहले उसी में लग जाना है, देखता हूं मैं कब तक समझ में नहीं आती है। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना तक भी लगाया मुझे किसी टॉपिक को समझने में, लेकिन कभी कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है ये। चलो यार डिफिकल्ट है छोड़ देते हैं ना। मैं कभी अपने बच्चों को ये कहा है, जो जितने बच्चे मैंने आज तक पढ़ाए कभी बच्चों को ये नहीं बोला कि ये टॉपिक डिफिकल्ट है इसको छोड़ते हैं। बहुत सारे टीचर बोलते हैं ऐसा ना कि अरे छोड़ो यार ये तो डिफिकल्ट टॉपिक है इसको छोड़ दे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, कहते होंगे। जी चलो करो आप, मैं कॉल ले लूँ जरा। और फोन को दूर रख दिया करो, बहुत दूर। तुम्हारे जी सर, फोन की टुकड़ 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 होती रहती है। हाँ कीप इट साइलेंट, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है फोन। ओके सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग तो इंस्टाग्राम आजकल। स्मॉल पी प्लस सर, यह स्मॉल पी का वैल्यू कुछ उत्पटंग सा आ रहा है, क्या आ रहा मतलब है बताओ? पी प्लस 1/2x इंटू 2x। नहीं ऐसा तो नहीं आएगा। देखो फिर मैं थोड़ा ध्यान फिर से से करो बोलती उसको। 2x dx du हो जाएगा हूँ। और जी ये हो सर, जाएगा p-1 इज इक्वल टू dv/dx, ठीक है। जी ओके तो अभी इसको dv/du क्या हो जाएगा, p-1 / 2x, ठीक है। कैपिटल जी पी इज इक्वल टू स्मॉल p-1 2x, तो 2px+1 आ जाएगा। कहाँ टांग सा आता है। ओके एक एक स्टेप में ध्यान से करना है कैलकुलेशन, कहीं भी गड़बड़ हुई तो पूरी कहानी खराब। देखो जरा कहाँ गड़बड़ की है तुमने। जी
इसको 2 px प्लस 1 का वन स्क्वायर माइनस 2 y 2 px प्लस 1 प्लस x प्लस 2 y इक्वल टू 0। सर ये जो इक्वेशन निकला इसका स्क्वायर खोल दे क्या? हाँ स्क्वायर खोलो क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ कट जाएंगी, कुछ कैंसिल हो जाएगी ओके और आपको कहीं एक्स स्क्वायर को यू रखना पड़ेगा, कहीं वाई माइनस एक्स बनेगा उसको भी रखना पड़ेगा। ओके -4 px y ओके फोर ई स्क्वायर एक्स यू एक्स 4 p² प्लस 4 px माइनस 4 px वाई प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0। देखो सब्स्टिट्यूशन के लिए अप्रोप्रिएट वैल्यू बनाओ, एक्स स्क्वायर जहां बन रहा है वहां एक्स स्क्वायर बनाओ, जहां वाई माइनस एक्स बन रहा है वहां वाई माइनस एक्स बनाओ। जी सर वाई माइनस एक्स तो नहीं आ रहा, 1 माइनस वाई आ रहा है। बनेगा वाई माइनस एक्स में बनेगा, कहीं कुछ कॉमन लोगे तो बन जाएगा। ये बनेगा आपका एक्स इंटू 4 p² एक्स स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर 1 प्लस 4 px माइनस 4 px y माइनस 2y प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। 2y से 2y कैंसिल हो गया तो ये बनेगा आपका, x काट देते हैं चारों तरफ से, यहाँ पे वन रह ओके जाएगा, ये x तो ये हो जाएगा 4 px² की जगह पे u रख देते हैं, ठीक है, प्लस 1 प्लस 4 px माइनस 4 py। देखो ये बन गया ना, जी एक्स ओके -4 0 -3 इक्वल टू 0 सर 4 p² y प्लस 1 -4 p v इक्वल टू 0 इसका तो देखो सिंगुलर इसको निकालें। इसको v इज इक्वल टू समथिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये v इज इक्वल टू यूपी प्लस fp, इसमें कन्वर्ट करो इसको पहले, ओके ओके क्लेरोट्स फॉर्म बनाओ पहले। 4 p² प्लस 1 इक्वल टू 4 p v v इक्वल टू 4 p² प्लस 1 by 4 p हो गया v इक्वल टू 4 1 मिनट px हाँ पीयू पीयू बनेगा, pu तो वी नहीं आ रहा। इक्वल, अरे वो 4 ने और यू ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया, वो कहीं अच्छा नहीं वो तुमने। u है हाँ ओके 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 ये अभी तो रखा मैंने एक्स स्क्वायर की जगह पे यू, जी सर क्या बनेगा इक्वेशन? मिनट सर
यूपीवी इक्वल टू यूपीवी इक्वल टू 1 + 4 p² u, v इज इक्वल टू 1 + 4 p² u बाय pu. सर 1 + 4 p² u बाय pu. 4 p² u प्लस 1 और 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे 4 p कॉमन आ जाएगा, x - y बचेगा, +2 = 0. अब ये हो जाएगा 4 p² u माइनस 4 p v हो जाएगा, +2 = 0. अब जो है इसको आप 4 p से डिवाइड कर दो क्योंकि हमें v अकेला चाहिए, तो 4 p से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा pu - v +2 / 4 p = 0. v को उधर ले जाओ, v उधर चला जाएगा, तो ये बचेगा pu - 1 1/2 p. ओके जी ठीक है, तो सर. इसका जो सिंगुलर, इसका जो जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा वो बनेगा v की जगह y स्क्वायर, ठीक है, p की जगह c लिख देंगे, u की जगह एक्स एक्स स्क्वायर. सर v का तो y 2 x² - 1 y. माइनस एक्स था. ओ सॉरी सॉरी सॉरी, y - x = इतना, ठीक है. ओके और ये देखो ये ऑलरेडी p डिस्क्रिमिनेंट है, तो इसका तुम वो भी निकाल सकते हो, सिंगुलर सॉल्यूशन निकालो, ओके सिंगुलर सॉल्यूशन. जिसमें मतलब क्वाड्रेटिक नहीं बनता है उसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा. ओके सर. 4 p² यू x² - पहले पहले ओके वी और यू में ही निकाल लो आप रिलेशन, सर. वो सिंपल रहेगा, बाद में रख देना वी और यू की वैल्यू. -uv होल स्क्वायर माइनस 4 × 4 u √2 u² v² इक्वल टू -632 u इक्वल टू 0. सर u² v² -32 u इक्वल टू 0 u² v² -32 u इक्वल टू 0 तो यहाँ पे u आ जाएगा ना कॉमन, तो जी. ये बचेगा uv² - 32 = 0. वैल्यू रख दो. x² × x - y का होल स्क्वायर -32 = 0. (16v² - 16, 32) यहां तो यू नहीं आ रहा है, कहाँ पे देखो यहाँ पे (b² - 4ac) होता है डिस्क्रिमिनेंट आपका, तो b की वैल्यू यहाँ पे है माइनस माइनस फोर यू वी. बी फोर बी फोर बी अच्छा. ओके फोर बी है, 4b, और ए की वैल्यू है 4p 4u. ठीक है, थोड़ा 4 और u कंफ्यूज कर रहे हैं, और c की वैल्यू है ओके 2. ठीक है, तो जी. क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से करना है, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके सर. बट बी केयरफुल, ये कैलकुलेशन बहुत है, कहीं भी हल्की सी मिस्टेक होगी पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. आ गया आंसर, देखो मिनट सर. करना 4p² u -4pv +2 = 0. ठीक है. एक मिनट.
माइनस 4 into 4u into 2 equals 0, 16v² -32u = 0, 16v² - 32u = 0, ठीक है, वी और यू की वैल्यू रख दो तो वी आपका स्क्वायर माइनस सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x² = 0, वाई माइनस ठीक एक्स का है, होल स्क्वायर माइनस 2x² = 0। अब चलो क्वेश्चन लिखो फटाफट। XP² x² माइनस 2YP प्लस 4X = 0। ठीक ओके है, इसमें निकालना है आपको सबके सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जितने भी अच्छा क्वेश्चन लिख रहा हूँ सबके सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना है। 3Y = क्योंकि क्लेर ओट्स में नहीं है। ठीक है, तो हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, जब आप सिंगुलर सॉल्यूशन निकालते हो तो आपको एक मिलेगा पी डिस्क्रिमिनेंट और एक मिलेगा सी डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि क्लेरोट्स में तो दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो इक्वेशन क्लेरोट्स में नहीं है उसमें दोनों डिस्क्रिमिनेंट अलग आएंगे। अच्छा ठीक है, तो जब दोनों डिस्क्रिमिनेंट अलग आएंगे तो इसमें आपका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा जो दोनों में कॉमन फैक्टर होगा। अच्छा ठीक है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा दैट इज योर सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चंस जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, दीज आर नॉट ऑन बेसिस